अस्सलाम वालेकुम रेस्टोरेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि HEC लॉ गेट कंडक्ट करने से पहले एक और टेस्ट कंडक्ट करती है, सी लॉ का, जो भी स्टूडेंट्स फ़ौरन से LLB करके आ चुका हो। अब ये सी लॉ का क्या सिलेबस है, सी लॉ का पेपर पैटर्न क्या है और सी लॉ कब अनाउंस होगी, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि जो HEC है, ये इसका जो करंट पैटर्न है टोटली बेस्ड करता है किस पर, बैरक्स पर। जिस स्टूडेंट की जितनी ज़्यादा बैरक्स पर कमांड होगी, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उतने ज़्यादा मार्क्स जो है ऑब्टेन करेगा। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या है और जो है इसके सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है वो आपसे, तो हमारे पास जो HEC का सिलेबस है सी लॉ का, उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर आपके पास आ जाता है सिलेबस की जहाँ तक बात है, इसके अंदर आपका QSO, CPC, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है, ये भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है, ठीक है, QSO, CPC और फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और इसके बाद फिर जो है लीडिंग केसेस भी आ जाता है। लीडिंग केसेस के अंदर ये आपसे ऑब्जेक्टिव जो इसकी बैकग्राउंड थ्योरी है वहाँ से भी क्वेश्चन रेज कर सकता है। अब फोकस हमने किन किन सब्जेक्ट्स पर करना है ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए, तो आपने सबसे पहले फोकस करना है जिसके 20 मार्क्स हैं, इसके भी 20 मार्क्स हैं, तो इन सब्जेक्ट्स पर आपने अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये टेस्ट कब अनाउंस होगा, देखिए आप सबको पता है कि फेब का जो मंथ है हमारे पास 2024 का, इसके अंदर इलेक्शंस होने जा रही हैं, जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होंगी, और लेट लॉ असेसमेंट जो टेस्ट है वो भी फेब से बिफोर ही होगा, इट मींस के जनवरी के अंदर लेट का टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। फेब के बाद जैसे ही आपकी जो है इलेक्शंस कंडक्ट हो जाएंगी, या तो इन द एंड ऑफ फेब या फिर मार्च के मंथ में HEC जो है अनाउंस कर देगा सी लॉ का टेस्ट। सी लॉ की मीनिंग क्या है, स्पेशल इक्विवेलेंस टेस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ फ़ौरन से पढ़ के आए हुए जो भी कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो सी लॉ का टेस्ट देंगे, उसके बाद फिर वो लॉ गेट का अलग से टेस्ट देंगे। और टोटली ये बेस किस पर करता है, बैरक्स पर। जिस स्टूडेंट की जितनी ज़्यादा कमांड होगी बैरक्स पर, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उतने ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी अकेडमी से प्रीवियस बैचेस से ज़्यादा इस बार स्टूडेंट्स जो है पास हुए। प्रीवियसली एक दो स्टूडेंट्स रह गए थे, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुए, सी लॉ के एग्ज़ाम्स के अंदर भी और लॉ गेट के एग्ज़ाम्स के अंदर भी। क्योंकि हमारी अकेडमी आपको 100% पासिंग गारंटी देगी। हंड्रेड परसेंट पासिंग गारंटी, आप सोचेंगे सर किस तरीके से 100% पासिंग गारंटी दे रहे हैं, आइदर लॉ गेट हो आइदर सी लॉ हो, इन पर्टिकुलर दो टेस्टेस के लिए हमारी अकेडमी आपको 100% पासिंग गारंटी देगी। लेट के लिए हम 100% पासिंग गारंटी नहीं देते। अच्छा, अब किस तरीके से पासिंग गारंटी, क्या मनी बैक गारंटी है या नहीं, मनी बैक गारंटी नहीं है। इसमें यह होगा कि फॉर सपोज के आपने हमारा 3 मंथ्स का गोल्डन ग्रुप ज्वाइन कर लिया, 3 मंथ्स का गोल्डन ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप टेस्ट में बैठे और किसी भी रीज़न की वजह से, बैड लक की वजह से आपके मार्क्स आ जाते हैं 48 या फिर 49, इन मार्क्स के बाद अब आप कहेंगे ओह अब क्या सर के पास दोबारा से जाएं, दोबारा से तैयारी करें, अब क्या सर दोबारा से फ़ीस चार्ज करेंगे। तो जब आपने हमें वन टाइम फ़ीस पे कर दी, इट मीन्स के आप जो है हम आपको टेस्ट क्वालिफाई करवाने के पाबंद हो गए। जब आपने 3 मंथ्स हमारा कोर्स ज्वाइन किया, डिटेल्ड लेक्चर्स आपने सुन लिए, अच्छे तरीके से वेब जनरेटेड टेस्ट भी दिए, उसके बाद भी आपके 48-49 मार्क्स आ गए, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, नेक्स्ट जो हमारा बैच होगा, सेशन होगा, उसके अंदर आपको हम कम्प्लीटली फ्री
फ्री क्लासेस प्रोवाइड करेंगे इन केस अगर आप फेल हो गए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट में बैठता है, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसने हमसे कोऑपरेट नहीं किया, जिस तरीके से हमने लेक्चर्स ग्रुप के अंदर शेयर किए उसने लेक्चर्स नहीं सुने, या फिर आइदर उस स्टूडेंट ने वेब जनरेटेड टेस्ट नहीं दिए, फिर हम इस चीज़ के हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ का, क्योंकि उसने अपनी लापरवाही दिखाई और उसने खुद से नहीं पढ़ा। बाकी रही बात नोट्स की और जो है आपके गाइड्स की, तो मैं हर स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि आपने बैरक्स पर ही कमांड हासिल करनी है, बैरक्स से ही जो है तैयारी करनी है और किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बैरक्स पर ही कमांड हासिल कर लें तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आप लॉगेट हो या सी लॉ हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, 03113008877 ये हमारा रजिस्ट्रेशन का नंबर है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर करके हमारी अकेडमी में रजिस्टर हो सकते हैं, आइदर फिजिकल क्लासेस आइदर ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू, डेट्स ऑल।